गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ऑपरेशन आर्मी। तो वी विल जस्ट कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर। हमने लेआउट्स स्ट्रेटजीज का शुरू किया था, ठीक है। हम लेआउट की डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। तो हमने बेसिकली मैकडॉनल्ड्स की केस स्टडी डिस्कस की थी, ठीक है। हमने कहा था कि जो मैकडॉनल्ड्स का लेआउट है काफ़ी इनोवेटिव है और अच्छा है, ठीक है। और हमने देखा था कि मैकडॉनल्ड्स के लेआउट में क्या चीज़ें जो उसको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती हैं। उसको थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सो मैकडॉनल्ड्स का जो लेआउट है, अगेन इट्स वेरी इनोवेटिव, ठीक है। बेसिकली मैकडॉनल्ड्स एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, ठीक है। उसका लेआउट डिफरेंट है, ठीक है। उसने इनडोर सीटिंग इंट्रोड्यूस कराई थी जो कि इतनी आम नहीं थी उस जमाने में फास्ट फूड्स में। उसके अलावा ड्राइव थ्रू विंडोज का कॉन्सेप्ट मैकडॉनल्ड्स एक आया था जो नया था, ठीक है। उसके अलावा इट एडेड ब्रेकफास्ट टू द मेन्यू, ठीक है। मैकडॉनल्ड्स अब ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड करता है। प्ले एरियाज है मैकडॉनल्ड्स में, ठीक है, जहाँ पे छोटे बच्चे जाके खेल सकते हैं। किचन को रीडिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा सेल्फ सर्विस कियोस्क भी इंट्रोड्यूस कराई गई हैं। सेल्फ सर्विस कियोस्क वही होती है जहाँ पे कस्टमर खुद जाके ऑर्डर प्लेस कर सकता है और उस पर कोई वेटर या कोई ऑर्डर टेकर इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। और डाइनिंग एरिया को डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर दिए गए हैं, ठीक है। डिफरेंट तरह की सीटें हैं, ठीक है। इनमें से 7 से 6 चीज़ें ना दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू लेआउट। ठीक है, एडिंग ब्रेकफास्ट जो है वो लेआउट से इतना रिलेटेड नहीं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो है रिलेटेड टू लेआउट। तो मैकडॉनल्ड्स के लेआउट में आज जो चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि यू कैन सी इनोवेशन, ठीक है, काफ़ी इनोवेशन है। उन्होंने अब तो सारे आउटलेट्स को रीडिज़ाइन किया है, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड दे हैव इंट्रोड्यूस 3 सेपरेट डाइनिंग एरियाज। लिंगर जोन है, देन वी हैव विच इंक्लूड्स वाई फाई कनेक्शन है, चेयर्स। उसके अलावा ग्रैब एंड गो जोन है विद टॉल काउंटर्स, फ्लेक्सिबल जोन है फॉर किड्स एंड फैमिलीज। अगेन जो लेआउट है किसी भी कंपनी का, इट इज अ सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ लेआउट स्ट्रैटेजी क्या होता है? वॉट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लेआउट स्ट्रैटेजी? द ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव लेआउट दैट विल मेक फर्म्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। किसी लेआउट डिसीजंस का जो इम्पोर्टेंस है वो इस चीज़ से बनती है कि हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी का लेआउट इस तरह का हो दैट इट इज एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, एट द सेम टाइम इट सरपासेस आवर कॉम्पिटिटर्स लेआउट, यानी कि ये लेआउट हमको एक एडवांटेज देता है वो और कॉम्पिटिटर्स इसका हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी कहते हैं, ठीक है। सो लेआउट हमें बेसिकली होता है, ठीक है, जब लेआउट की बात करते हैं हम बेसिकली स्पेस की बात करें, चीज़ों की अरेंजमेंट की बात करें, ठीक है। तो किसी ऑफिस की बात कर लें, रेस्टोरेंट की बात कर लें, फैक्ट्री की बात कर लें, तो लेआउट कंसिडरेशन में क्या चीज़ है वहाँ? These are the things involved in layout considerations. हम किसी भी फैक्ट्री या ऑफिस का लेआउट इस तरह का बनाना चाहते हैं कि हमारे पास हायर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, इक्विपमेंट, पीपल, यानी कि जो भी हमारे पास इक्विपमेंट है, जो भी लोग हैं और जो भी स्पेस अवेलेबल है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें। उसके अलावा जो इंफॉर्मेशन है वो आसानी से फ्लो कर सके लोगों से, यानी कि लोगों के दरमियान इंफॉर्मेशन आसानी से फ्लो कर सके। इसी तरह जो मटेरियल्स हैं वो लोगों के दरमियान आसानी से फ्लो कर सके, ठीक है। मटेरियल्स की फ़्लो की एग्जांपल ऐसी है कि आप एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, आपने किसी से कोई पेन बोरो करना है, कोई स्केल बोरो करना है, कोई चीज़ बोरो करनी है, ठीक है। तो आप चाहेंगे वो चीज़ आप तक आसानी से पहुँच सके, ठीक है। अगर क्लास का लेआउट इस तरह होगा कि आप लोग एक दूसरे से बहुत दूर दूर बैठे होंगे, ठीक है, तो फिर ये जो है ना फ्लो ऑफ मटेरियल्स
ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आप एक बंदे से दूसरे बंदे तक या एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट तक कोई चीज़ नहीं पहुंचा सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा लेआउट का एक मकसद ये भी होता है टू इम्प्रूव एम्प्लॉय मोरल एंड टू इंट्रोड्यूस सेफर वर्किंग कंडीशंस। ठीक है, आप जहाँ भी बैठे हुए जैसे अभी काम करें, आप चाहेंगे कि वो एक सेफ एनवायरनमेंट हो। ठीक है, तो आप ऐसी बिल्डिंग नहीं बनाना चाहते जो खराब हो, यानी जिसको गिरने का खतरा हो या जिससे लोगों को चोट पहुँच सके। तो आप इसी तरह की बिल्डिंग बनाना चाहेंगे जहाँ पे लोग सेफ फील करें। ठीक है, अगर इफ़ दे आर वर्किंग विद रिस्की इक्विपमेंट, वो ऐसा कोई इक्विपमेंट यूज़ करें जिसमें जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज़्यादा है, तो अगेन आपने उस इक्विपमेंट को उसी बिल्डिंग में इस तरह से रखना है कि लोगों को कम से कम नुकसान हो और एम्प्लॉयज़ का मोरल जो हायर रहे। इसके अलावा इन सर्टेन टाइम बिजनेसेस आप चाहते हैं कि कस्टमर और क्लाइंट के बीच में ज़्यादा ज़्यादा इंटरेक्शन। फॉर एग्जांपल रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी का जो बिज़नेस है, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी वाले के दफ्तर में जाए, इसका लेआउट इस तरह होना चाहिए कि आप अपने यानी कि जो प्रॉपर्टी वाला बंदा है, ठीक है, जो एजेंट है, वो अपने क्लाइंट या कस्टमर से आसानी से इंटरेक्ट कर सके। ठीक है, इस तरह ना हो कि उसका मुँह दीवार की तरफ हो, ठीक है, और आपका मुँह कहीं और दोनों आपस में बात करें। लेआउट का मकसद ये भी होता है कि इट वॉन्ट्स टू इम्प्रूव कस्टमर एंड क्लाइंट इंटरेक्शन। ठीक है, फ्लेक्सीबिलिटी प्रोवाइड करना भी इसका मकसद होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप का होम ऑफिस, ठीक है, अपने घर में ऑफिस खोला हुआ, तो आप मे भी आप चाहे आपके ऑफिस का लेआउट इस तरह हो गया आप वहीं काम कर सकें। ठीक है, और जब काम का वक्त खत्म हो जाए तो वहीं आप बेड खोल के या सोफ़ा खोल के सो जाए। ठीक है, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फ्लेक्सीबिलिटी। तो ऑफिस लेआउट्स की बात करें तो दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ ऑफिस लेआउट्स। ठीक है, सो दे आर एट मेजर टाइप्स ऑफ ऑफिस लेआउट्स। ठीक है, या आप कह सकते हैं एट मेजर टाइप्स ऑफ लेआउट्स हैं ऑफिस। तो आठ मेजर टाइप्स की लेआउट्स हैं इन द वर्किंग एरिया। ठीक है, यानी कि जिन जगह पे आप काम करते हैं वहाँ पे एट मेजर टाइप्स की लेआउट्स आ जाते हैं। तो उस पर एक ऑफिस लेआउट है। ठीक है, ऑफिस लेआउट में क्या होता है, इट इज़ मेनली कंसर्न विद ऑफिस। ठीक है, जिन ऑफिस में लोग बैठ कर काम करते हैं, और ऑफिस लेआउट का बेसिकली मकसद ये होता है कि वर्कर्स और इक्विपमेंट और जो स्पेस है उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करना, और वर्कर्स और इक्विपमेंट और जो बाकी चीज़ें उनको सही तरीके से स्पेस आउट भी करना। यानी कि अगर आपके ऑफिस में एक डेस्क है, एक मेज है, एक सोफ़ा है, उनके बीच में अप्रोप्रिएट स्पेसिंग भी होना जरूरी है। ठीक है, इस तरह रिटेल आउट लेआउट की बात करें तो रिटेल लेआउट जो है आमतौर पे वो लेआउट है जो दुकानों के लिए बना हुआ है या बड़े स्टोर्स के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो रिटेल का मतलब आई थिंक आपको पता है, तो ये रिटेल आउटलेट्स के लिए लेआउट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्टोर में जाते हैं तो रिटेल लेआउट जो है बेसिकली इंश्योर्स के हर शेल्फ को एक अच्छी स्पेस मिली हुई है। ठीक है, और लेआउट इस तरह क्या है कि द एम्प्लॉइज दे कैन रिस्पॉन्ड टू कस्टमर डिमांड्स। ठीक है, इसके अलावा एक होता है वेयर हाउस लेआउट। वेयर हाउस लेआउट है बेसिकली द लेआउट ऑफ वेयर हाउस। जो वेयर हाउस होते हैं दे आर लाइक अ फैक्ट्री, फैक्ट्री तो नहीं होते बट उर्दू में वेयर हाउस का गोदाम कहते हैं। ठीक है, तो गोदाम हो गए, उनमें जो है लेआउट इस तरह का होना चाहिए कि बेसिकली वेयर हाउस बहुत सारा मटेरियल पड़ा होता है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि वेयर हाउस में मटेरियल पड़ा है लेकिन हमें थोड़ी सी ओपन स्पेस भी रखनी होती है ताकि एम्प्लॉयज़ उसमें गुजर सकें। ठीक है, मे बी जो एम्प्लॉयज़ वहाँ काम करते हैं उनका एक छोटा सिटिंग एरिया बना सकते हैं, वहाँ वो फ्री टाइम में बैठ के बाद चाय पी सकें या मे बी रिलैक्स कर सकें। ठीक है, तो आप मैंने इक्विपमेंट भी रखना होता है एंड यू हैव टू कीप अ बैलेंस बिटवीन इक्विपमेंट एंड स्पेस। स्पेस की बात जो हम करें तो हम फ्री स्पेस की बात, वो स्पेस जहाँ पे कोई चीज़ नहीं पड़ी। इसके अलावा फिक्स पोजिशन लेआउट है। फिक्स पोजिशन लेआउट इज बेसिकली मेंट फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स। ठीक है, फिक्स पोजिशन लेआउट जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होता है, जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं या मॉल्स हो गए, ठीक है, या शिप्स हो गए, वहाँ पर फिक्स पोजिशन लेआउट्स का इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज उनकी जो
लेआउट है काफ़ी हद तक फिक्स्ड होता है, ठीक है, आपका स्पेस फिक्स्ड होती है, उसको आप ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट्स हैं, ठीक है। प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट जो बेसिकली डील्स विद लो वॉल्यूम हाई वैरायटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसके अलावा वर्सल लेआउट्स हैं जहाँ पे यू विल सी वर्क सेल्स, ठीक है, अब वर्क सेल्स की थोड़ी बात कर चुके हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट्स होते हैं, प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट्स का अगेन दे आर, उनका मकसद ये होता है कि प्रोडक्ट को फैसिलिटेट करना, जो प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हैं लेआउट इस तरह का हो के उसको फैसिलिटेट करना। ठीक है, तो ऑफिस लेआउट इन्हीं को हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ऑफिस लेआउट क्या होता है, ज़्यादा ऑफिस लेआउट में वर्कर्स होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं एंड फ्री स्पेसेस होती हैं, ठीक है। सो ऑफिस लेआउट का मकसद ये होता है, वी हैव टू ग्रुप वर्कर्स, इक्विपमेंट एंड फ्री स्पेसेस टुगेदर टू प्रोवाइड कम्फर्ट, सेफ्टी एंड मोबिलिटी, ठीक है। तो किसी भी लेआउट का मकसद होता है कम्फर्ट प्रोवाइड करना, उसके अलावा सेफ्टी भी प्रोवाइड करना, और जो इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है फ्रॉम वन एम्प्लॉय टू अनदर, वो इन्फॉर्मेशन आसानी से हो सके, ठीक है। सो मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो ज़रूरी है, मूवमेंट आसानी से अगर फ्लो हो सके एक जगह से दूसरी जगह, तो दर्ज हो, ठीक है। इसी तरह मटीरियल्स का फ्लो भी ज़रूरी होता है, तो यू कैन सी इन द पिक्चर दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑफिस लेआउट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये जो ऑफिस लेआउट है, इट्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल क्यूबिकल्स, ठीक है, छोटे क्यूबिकल्स बनाए गए हैं या स्मॉल आप कह सकते हैं वर्क एरियाज हैं, ठीक है, स्मॉल ऑफिस स्पेसेस आप कह सकते हैं, नॉट वर्क एरिया, स्मॉल ऑफिस स्पेसेस, ठीक है। यू कैन जस्ट सी एट द पिक्चर, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ बड़े बड़े ऑफिस नहीं है, ठीक है। रिलेशनशिप चार्ट कैन रियली हेल्प यू इन डिजाइनिंग योर लेआउट, ठीक है, इसकी हम बाद में बात करेंगे, आई विल जस्ट स्किप इट फॉर नाउ, ठीक है। सुपरमार्केट रिटेल लेआउट्स, अगेन सुपरमार्केट्स की का जो लेआउट है किस तरह होना चाहिए, सुपरमार्केट की जो स्पेस होती है किस तरह की होती है, सुपर मार्केट आपने नोट किया होगा शेल्फ्स होती हैं, ठीक है, आपने शेल्फ्स को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना होता है, फिर हर शेल्फ के बीच में आपने स्पेस भी छोड़नी होती है, लाइक कस्टमर गुजर सके, यानी कोई चीज़ शेयर के ऊपर रखनी है, कोई चीज़ उतारनी है, उसकी भी जगह हो, ठीक है। अगेन आप बहुत बड़ी बड़ी शेयर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी पर स्क्वायर फुट ऑफ फ्लोर स्पेस, ठीक है। तो आपने स्पेस इतनी रखनी है कि जितनी आपको ज़रूरत है, एट द सेम टाइम आप शेयर्स भी उतनी बड़ी रखें जितनी आपको फ़ायदा दे सकें। तो बेसिकली हम स्पेस को इस तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हैं दैट इट मैक्सिमाइजेस प्रॉफिटेबिलिटी पर स्क्वायर फुट, ठीक है। सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी जो सुपर मार्केट में, इट वेरीज डायरेक्टली विद कस्टमर एक्सपोजर, ठीक है। सुपर मार्केट की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए ज़रूरी है आपका लेआउट इस तरह क्या हो कि वो कस्टमर को भी अकोमोडेट कर सके, अगर कस्टमर एक शेल्फ से दूसरी शेल्फ जाना चाहते हैं दूसरे उसके लिए आसान हो, ठीक है। अगर वो एक जगह खड़े हो गया किसी शहर से कोई ऑर्डर लेना चाहते हैं तो वो दैट शुड ऑल्सो बी इंपॉर्टेंट। बेसिक आइडियाज, यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू कस्टमर बिहेवियर, ठीक है, आपने कस्टमर की नीड्स के मुताबिक रिस्पॉन्ड करना है और अपना लेआउट भी उसके मुताबिक रखना। तो फाइव हेल्पफुल आइडियाज फॉर सुपर मार्केट लेआउट, लोकेट हाई ड्रॉ आइटम्स अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द स्टोर, ठीक है। जो हाई ड्रॉ आइटम्स हैं जिनको यानी जिनको ज़्यादा कस्टमर्स पिक करते हैं या यूज़ करते हैं शॉपिंग के दौरान, यूज़ तो नहीं कह सकते यानी जिनको ज़्यादा सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, शॉपिंग के दौरान उनको स्टोर की पेरिफेरी में रखा जाए, ठीक है। पेरिफेरी मीन्स बॉर्डर, यूज़ प्रोमिनेंट लोकेशंस फॉर हाई इम्पल्स एंड हाई मार्जिन आइटम्स, ठीक है। हाई इम्पल्स यानी कि इम्पल्स का मतलब होता है जिन्हें देख के कस्टमर या उन्हें टच करके उनका दिल चाहिए चीज़ खरीद लें,
उनको आपने ऐसी लोकेशन में रखते हैं जहाँ पे कस्टमर्स आसानी से रीच कर सकें। सेम वो सो हाई मार्जिन आइटम्स होते हैं जिनके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होते हैं। डिस्ट्रीब्यूट पावर आइटम्स टू बोथ साइड्स ऑफ एन आइल एंड डिस्पर्स देम टू इंक्रीज व्यूइंग ऑफ अदर आइटम्स। सो पावर आइटम्स को आपने डिस्प्ले करना है बोथ साइड आइल्स एंड यू हैव टू डिस्पर्स देम ताकि उनकी जो व्यूइंग है ज़्यादा से ज़्यादा उनकी व्यूइंग। तो आपने बेसिकली यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट पावर आइटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ द आइल और आपने उनको डिस्पर्स भी करना है, ठीक है। यू हैव टू मेक श्योर कि उनकी जो व्यूइंग है अच्छी है, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो आप पावर आइटम्स की व्यूइंग को इस्तेमाल करेंगे टू इंक्रीज द व्यूइंग ऑफ अदर आइटम्स एज वेल, ठीक है। सो यूज एंड आइल लोकेशंस एंड कन्वे विजन ऑफ स्टोर्स टू केयरफुल पोजिशनिंग ऑफ नीड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। इन पॉइंट्स को दोबारा से थोड़ा देखेंगे एज वी प्रोग्रेस आपको इनकी ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। सो आई जस्ट स्टॉप द लेक्चर फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।